फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आज का जो वीडियो है ये मेरा पहला डेकोरेशन वाला वीडियो है, तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिए, कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल से बनाया है और ये बहुत ही इजी वे है होम डेकोर के लिए और बहुत ही अवेलेबल चीजों से मैंने इसको बनाया है। और सिर्फ इस डेकोरेशन को नहीं, डेकोरेशन में नहीं, बाकी और कुछ भी डेकोरेशन के लिए आपको इस वीडियो में टिप्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास में जो बेल आइकन है इसके हिट कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अरे चलिए, ऊपर में जो फैमिली वाला पार्ट है उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ली हूँ और एक पेंसिल, इससे मैं वो जो वर्ड्स है वो लिख लूँगी। जो फैमिली वाला वर्ड है उसको सजाने के लिए मैंने यहाँ कुछ ऊल्स लिए हैं। हर कलर के हैं, थोड़े बहुत सारे कलर नहीं है, लेकिन जो जो कलर मैंने यूज किया है वो आप देख सकते हैं। मैंने इस डेकोरेशन पार्ट को अच्छे से कर लिया है, मतलब मैंने ये जो ऊल मैंने जो काटा था उसको मैंने इसमें अच्छे से चिपका दिया है। एक चीज़ आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा व्हाइट ग्लू आपको दिखेगा, ये मैंने इसलिए गैपिंग रखा है कि ये सूखने के बाद नीचे का जो पेपर है ब्लैक कलर का वो दिखेगा, तो ये जो काम है बहुत अच्छा लगेगा दिखने में, इसीलिए मैंने ये किया है। तो ये जब सूख जाएगा तब आपको दिखाते हैं। ये कुछ हैंगिंग हार्ट्स है जो मैंने बनाया है इस डेकोरेशन को और भी अच्छे से डेकोर करने के लिए। ये जो काम है ये क्रोशिया का है, ये मैंने यूट्यूब में देखा ये डिजाइन और मैंने खुद से बनाया है क्योंकि मुझे क्रोशिया का काम आता है। लेकिन बाकी का जो डिजाइन है, जैसे मैंने इसको हैंगिंग स्टाइल में डिजाइन किया है, ये मैंने खुद किया है। और इनको मैं कैसे यूज कर रही हूँ, कैसे हैंग कर रही हूँ, वो भी आपको आगे आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ये कार्डबोर्ड यूज किया है जो कि आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो आपको इजीली मिल ही जाता है, आप इनको फेंक दे तो। इनको यूज करके मैंने फोटो का जो फ्रेम है उसको बनाया है, फोटो को मतलब हैंगिंग को सपोर्ट मिलने के लिए मैंने इनका यूज किया है। और यहाँ है कुछ फोटोज जिनको मैंने इसके साथ कैसे फिक्स किया है, कैसे इसको इसका फ्रेम बनाया है, चलिए आपको दिखाते हैं।
और फोटोज को फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड के साथ इस ग्लू को लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, इस तरह का एक पेपर लिया है जो फोटो के ऊपर चिपकाने के लिए। इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फोटोज ना फेड हो जाते हैं, इनका जो कलर है वो फेड हो जाता है, तो जिससे कि इसका कलर बना रहे इसलिए मैं इसके ऊपर इसको चिपकाऊंगी। कैसे चिपकाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। डेकोरेशन का पार्ट यहाँ पे होने वाला है इस प्लाईवुड के ऊपर। ये मैंने बनवाया था जब मेरे रूम का फर्नीचर तैयार हो रहा था, तभी मैंने इसको बनवाया था यहाँ पे कुछ डेकोरेशन करने के लिए। I use that kind of two wall pins. मैंने इस डेकोरेशन को बनाने के लिए फोम टेप का यूज किया है क्योंकि फोम टेप से ये देखिए ये जो चिपका हुआ है ये उठेगा नहीं, एक जगह फिक्स हो गया। फिक्स होना मतलब कि अगर पंखा चले हवा चले तो ये उठेगा नहीं, एक जगह फिक्स रहेगा। सेकेंड रीजन ये है मैंने फोम टेप का यूज किया है क्योंकि फोम टेप इजीली उड़ जाएगा और मैं ये फोटो चेंज कर सकती हूँ, कुछ और फोटोज भी लगा सकती हूँ। जैसे अगर मुझे ये वाला फोटो भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं कुछ और फोटोज यूज कर सकती हूँ, या पूरा फोटोज चेंज करके कुछ और फोटो या कुछ और डेकोर कर सकती हूँ। उसके बाद ये जो फैमिली वर्ड है उसको भी मैं चेंज करके कुछ और लिख सकती हूँ।
देन इस फैमिली वर्ड को मैं हटा के कुछ और दूसरे जगह यूज कर सकती हूँ, इस फोटो को हटा के कोई दूसरे जगह यूज करती हूँ, मतलब मैं इन सब चीजों का रीयूज कर सकती हूँ। तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है कि आप अगर नया डेकोरेशन करना चाहिए तो इसको हटा के कुछ और कीजिए और इनको भी रीयूज कर लीजिए। तो इन सारी चीजों के लिए मैंने फोम टेप का यूज किया है। अगर आप लोगों को मेरा ये डेकोरेशन इतना सा भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग ही तो मेरा मोटिवेशन हो, है ना। आप लोग अगर मुझे नहीं बताओगे कि मेरा कहाँ गलती है, मैं कहाँ और भी अच्छे इम्प्रूव करूँ, तो मैं कैसे कर पाऊँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए तभी मैं आगे जाऊंगी। प्लीज सपोर्ट कीजिए और मेरे से जो भी गलती हो या मुझे और क्या करना चाहिए और क्या वीडियो बनाना चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जिससे कि मैं उन सबको देखकर और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला पाऊँ। ओके, तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा।